नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी जो इंसेक्ट है, एक ऐसा इंसेक्ट है दोस्तों आपके फसल में आ जाता है तो पत्तियों को वो सकिंग करता है और सकिंग करने के बाद वो पत्तियों को खोखला कर देता है पूरा अंदर से और उसके बाद आपकी फसल पूरी ख़राब हो जाती है। और इस टाइप की जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पीली पीली टाइप को दिखने लगेगी, जैसे रेड माइट आता है उस तरीके से ये भी सकिंग करने के बाद पीला पीला कर जाता है। तो दोस्तों आज हम खास करके बात करने वाले हैं सफ़ेद मक्खी के बारे में, वाइट फ्लाई के बारे में, वाइट फ्लाई की लाइफ साइकिल क्या है, कैसे वो बनता है वाइट फ्लाई, और वाइट फ्लाई को कैसे कंट्रोल करना है, क्या टेम्परेचर में वाइट फ्लाई तैयार होता है, पूरी डिटेलिंग में बात करेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों है कि इसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा ध्यान से अंत तक देखना है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि वाइट फ्लाई को पहचानना। तो वाइट फ्लाई को पहचानना कैसे है कि जब भी आप अपने प्लॉट में जब घूमते हैं और ख़ास करके वाइट फ्लाई ये पत्तियों के पीछे होता है, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि वाइट फ्लाई जब टेम्परेचर 28 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है एक बराबर एवरेज, तो वाइट फ्लाई आपके प्लॉट में बहुत ही ज़्यादा तैयार होने लगता है क्योंकि उसको वार्म टेम्परेचर बहुत ही पसंद है तो वो बढ़ने लगता है तेज़ी से वहाँ पर। तो आप अपने प्लॉट में जब घूमेंगे तो पत्तियाँ इस तरीके से आप इसको निकाल लीजिए और इसको पलटक पलटी करके देख लीजिए कहीं दिख रहा है कि नहीं, ऐसे झाड़ के ऐसे जब झाड़ेंगे आप तो वाइट फ्लाई यहाँ से उड़ेगा। अभी इस प्लॉट में भी बहुत है लेकिन ये वाइट फ्लाई इतना छोटा है कि आपको वो कैमरा में नज़र में नहीं आएगा, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख लीजिए स्क्रीन पर दिख रहा है छोटा छोटा वाइट फ्लाई बैंगन की पत्तियों के नीचे घूम रहा है। तो यहाँ पर ये जो बैंगन का प्लॉट है दोस्तों, इस प्लॉट में बहुत ही ज़्यादा प्रकोप हुआ है वाइट फ्लाई का क्योंकि बैंगन की पत्तियाँ बड़ी हैं, यहाँ पे कंट्रोल होना बहुत मुश्किल हो गया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, यहाँ पे शूट बोरर तो नहीं है लेकिन वाइट फ्लाई और रेड माइट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस प्लॉट में है। तो ये इस प्लॉट को जो है पूरा तहस नहस कर दिया। लेकिन इसका जो देख सकते हैं काला कलर का बैंगन है ये देखिए, तो बहुत ही बेहतर ये बैंगन आया है लेकिन यहाँ पर वाइट फ्लाई की वजह से फसल पूरी ख़राब होती जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए वाइट फ्लाई तो पहचाना मैंने बताया कि वो वाइट कलर का रहता है, छोटा सा रहता है, मक्खी है दोस्तों, मक्खी को पहचानना आसान रहता है, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है मक्खी को पहचानना। तो मक्खी का आपने पहचान लिया तो सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बताता हूँ इसकी लाइफ साइकिल क्या है। लाइफ साइकिल देखिए इसकी 20 से 30 दिन तक रहती है टोटल। पहले तो ये अडल्ट मक्खी रहती है, ठीक है, अडल्ट मक्खी आपके पत्ते पर आएगी और पत्ती के पीछे साइड में मतलब बैक साइड में जो है आपको वहाँ पर अंडा डालेगी। अंडा डाल देने के बाद क्या होता है कि वो अंडा 6 से 7 दिन में फिर वो क्राउलर स्टेज में जाता है। उसके बाद उसके 3 स्टेज रहते हैं, मतलब एक स्टेज रहता है उसका स्टार बनता है, मतलब इंस्टार उसको कहते हैं, छोटा स्टार बनता है, फिर स्टार बनता है क्राउलर का, और उसके बाद वो पूपा अवस्था में चला जाता है। पूपा के बाद वो फिर उसमें से अडल्ट मक्खी फिर बाहर निकलती है। तो ऐसे 4 स्टेप में वो घूमता रहता है उसका साइकिल 20 से 30 दिन। लेकिन दोस्तों इसका अगर 28 से 30 टेम्परेचर एवरेज है तो ये तेज़ी से स्पीड में होता है, मतलब 20-25 दिन में ये तैयार हो जाएगा और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, कभी कभी 30-40 दिन भी इसकी साइकिल चली जाती है। लेकिन इसके पत्तियों के पीछे आपको छोटा छोटा येलोइश अंडा दिखेगा, उसको छोटा छोटा साइड से जैसे क्राउलर में इमेज में दिखा रहा हूँ देख लीजिए, छोटा छोटा जैसे पैर निकला हो वो स्थिति में रहता है वो, तो ऐसा आपको पत्तियों के पीछे दिखेगा तो समझ लीजिए यहाँ मतलब वहाँ पे वाइट फ्लाई बढ़ रहा है, उसमें से निकलने वाला है, येलोइश कलर का रहता है वो। और इस प्लॉट में तो पत्तियों के पीछे बहुत ऐसा हो चुका है कि छोटा छोटा अंडा से पूरा पत्तियाँ पीछे भर चुकी है, तो अंडे से येलोइश अंडा रहेगा तो समझ लीजिए वो वाइट फ्लाई का है, उसमें से वाइट फ्लाई वो ग्रोथ होता है 4 स्टेज में और वो बन जाता है। 20 से 30 दिन में दोस्तों इसकी लाइफ साइकिल है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि इसको दोस्तों पहचानना, पहचानने के बाद लाइफ साइकिल पत्ती होनी चाहिए हम लोगों को। दोस्तों देखिए कि हम लोगों को स्प्रे करना, उसके ऊपर कंट्रोल करना वो चीज़ें पता रहती है लेकिन इंसेक्ट पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि वाइट फ्लाई हुआ, लीफ माइनर हुआ, इन जैसी चीज़ें क्या होती है कि मक्खी आती है, जैसे कि शूट बोरर हुआ, ये सब मतलब पतंग से ही होता है। वाइट फ्लाई यानी कि क्या है, छोटा सा एक पतंग ही है, छोटा छोटा सा वाइट वाइट रहता है, तो उसी से ये पतंग सकिंग करता है, मतलब पत्तियों को सकिंग करता है। और ये दोस्तों सकिंग पेस्ट की कैटेगरी में आता है ये इंसेक्ट। इस तरीके से आपको पत्ती जब समझ में आएगी तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सकिंग हुआ है, ये देख सकते हैं पीछे से पूरा रेड माइट भी है इसके। और प्लॉट के यहाँ पे अगर आपको नीचे की मैं दिखाऊं, यहाँ के अगर नीचे को कोई पत्ती अगर मैं खींच के निकालूँ तो यहाँ पे पूरा ये देख सकते हैं, ये देखिए इसमें से पूरा वाइट फ्लाई उड़ेगा। ये देखिए दोस्तों जैसे कि अभी हम लोगों ने बैंगन के नीचे देखा पत्तियों के ऊपर पीछे इसके छुपा हुआ है वाइट फ्लाई, जो है पूरा हिलाने के बाद उड़ जाता है और वहाँ पर समझ लीजिए ज़्यादा प्रकोप हो गया है।
तो इसको कंट्रोल कैसे करना है? सबसे पहले तो एकदम देसी तरीका क्या होता है कि इसको हम लोग जो ट्रैप आते हैं, येलो ट्रैप, ब्लू ट्रैप, उस तरीके के ट्रैप लगा लेने हैं पूरे प्लॉट में, क्योंकि ये जो है ट्रैप्स के ऊपर बहुत अट्रैक्ट होते हैं और उसकी तरफ चले जाते हैं और उसमें चिपक जाते हैं, और वो चिपक जाने के बाद उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाती है, क्योंकि पत्तियों के पीछे जाएगा, सकिंग करेगा, वहाँ पर अंडा डालेगा, तभी होगा। एक और चीज़ मैं भूल गया दोस्तों आपको बताने की, जो व्हाइट प्लाई होता है वो हनी ड्यू छोड़ता है अपने अंदर से। जब वो हनी ड्यू छोड़ता है तो और पेस्ट को निमंत्रण देता है, आओ हनी ड्यू, मतलब वो जैसे फीडी है एक प्रकार का, तो और पेस्ट भी वहाँ पे थ्रिप्स वगैरह जेसिड्स एफिड्स आते हैं वो हनी ड्यू के लिए। तो व्हाइट फ्लाई से कुछ फ्लाई, मतलब कुछ कीटक इंसेक्ट जो है और भी बढ़ते हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर व्हाइट फ्लाई आपके प्लॉट में है तो वहाँ पे और चीज़ें भी बढ़ने की संभावना बहुत तेज़ी से है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी। हाँ, तो हम कंट्रोल पे बात कर रहे थे, जैसे कि कंट्रोल में ब्लू ट्रैप, येलो ट्रैप, वो तो लगा ही लीजिए, आपके प्लॉट में बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर चिपक जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आप क्या है कि जहाँ पे आपको एक आध किनारे आपको व्हाइट फ्लाई दिख रहा है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे जो है पत्तियों को कट कर दीजिए, प्रूनिंग करके आप प्लॉट के बाहर निकाल के फेंक दीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद दोस्तों आपको सबसे अच्छा मैं तरीका बताता हूँ, नीम ऑयल यूज़ कीजिए। नीम ऑयल अगर 15,000 ppm या 10,000 ppm का 2-3 मिली से आप स्प्रे करते हैं, तो नीम ऑयल से जो व्हाइट फ्लाई के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देख सकते हैं पूरा प्लॉट जो है इतना ग्रस्त हो चुका है कि पूरा ख़राब ही हो चुका है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। नीम ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो बहुत ही बेहतर है। अब दोस्तों अगर मैं दवा की बात करूँ तो दवा तो इसमें काफ़ी आती है, जैसे कि एसेटामिप्रिड है, इमेडा क्लोरोपीड है, उसके बाद दोस्तों आप पेगासस यूज़ कर सकते हैं, उसमें डाइफेंथिरम है, उसके बाद बाइफेंथिरम यूज़ कर सकते हैं। मतलब व्हाइट फ्लाई के लिए बहुत सारी ढेर सारी दवाइयाँ हैं मार्केट में आपको अवेलेबल हैं। मैं वीडियो के एंड में एक छोटी सी स्क्रीन डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे आप देख लीजिए क्या क्या दवाइयाँ हैं, कौन से स्टेज में मारनी है, वहाँ पे पूरा मैं लिख दे रहा हूँ। अब ऐसे में इतनी ढेर सारी दवाइयाँ हैं कि स्टेप बाय स्टेप नहीं बता सकता, एंड में जाके आप ज़रूर देखिएगा उसको ध्यान से। तो दोस्तों एक व्हाइट फ्लाई एक ऐसा इंसेक्ट है, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, और आप इसको फर्स्ट स्टेज में कंट्रोल करेंगे तो ठीक है, अगर ये सेकंड स्टेज पे गया, मान लीजिए आपके प्लॉट में बहुत ज़्यादा हो गया और अंडे आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो ये कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, आपको प्लॉट वहाँ पे उखाड़ के फेंक देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वही अवस्था हो चुकी है, बैंगन पूरा ख़राब हो चुका है और व्हाइट फ्लाई इतना बढ़ चुका है, उसकी वजह से माइट है, थ्रिप्स है, जेसिड्स है, एफिड्स है, पूरा एकदम से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हो गया है। तो दोस्तों कंट्रोल के हम लोगों ने बात ही की, लेकिन एक ज़रूरी चीज़ है पहचानना इसको, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान देना है आपको, और इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से जो है ध्यान देके मैनेजमेंट लेके करके आप व्हाइट फ्लाई का नियंत्रण कर सकते हैं। तो दोस्तों और कुछ आपको सवाल हो व्हाइट फ्लाई के बारे में कमेंट में मुझे कीजिए, एक स्पेशल वीडियो और मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।